जो बोले सो निर्भय, परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की जय। भगवान वाल्मीकि गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत फ्लावर देखने को मिल जाते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत फ्लावर के प्लांट होते हैं और उन्हीं प्लांट में से एक खूबसूरत फ्लावर के प्लांट होते हैं और उन्हीं फ्लावर को देखिए हम बहुत ही आसानी से अपने घर में लगा लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत सूरत इनके फूल होते हैं और कुछ फूल बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत दिखने वाले होते हैं और उन्हीं में से मैं आप सभी के सामने जितने भी फूलों के प्लांट हम सभी देखते हैं एक ऐसा फ्लावर का प्लांट आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं, देखिए मेरे इस खूबसूरत फ्लावर के प्लांट को। और अभी तो देखिए मैंने अपने इस पॉट में इसे लगाया हुआ है और देख भी सकते हैं आप। देखिए मैं इन्हें बहुत ही छोटे छोटे नर्सरी से लाया था और मैंने अपने इस पॉट में अपने तीनों के तीनों ही बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत गर्मी में चलने वाला एक ऐसा फूलों का प्लांट है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा ही फूलों से चलने वाला प्लांट है। और आप इस खूबसूरत फ्लावर के प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगा। और आप इसके पत्ते ही देख सकते हैं, देखिए आप मेरे इन तीनों के तीनों ही फूलों के प्लांट को देख सकते हो। और अभी मैं आपको देखिए बता चुका हूँ कि जब मैं इन्हें नर्सरी से लाया था तो यह बहुत ही छोटे छोटे ही थे और अब धीरे धीरे देख सकते हैं आप सभी के सामने, देखिए इन पर फूल भी आने स्टार्ट हो गए हैं। और मेरे इस पॉट को भी देख सकते हो और मेरे इन तीनों ही फ्लावर के प्लांट को देख सकते हैं। देखिए मेरे तीनों के तीनों ही फ्लावर प्लांट मेरे इस पॉट में लगे हुए और मेरे पॉट का साइज़ भी देख सकते हैं आप। कुछ हमारे ऐसे ऐसे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही बहुत ही खूबसूरत फ्लावर के प्लांट होते हैं जिन्हें कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। और उन्हीं फ्लावर प्लांट में से मेरा एक यह बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हो और देखिए पत्ते ही देख सकते हैं आप इसके, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही आपको इसके खूबसूरत पत्ते दिखाई देंगे। और देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत सूरत बहुत ही तरह तरह के वैरायटियों में आपको फूल देखने को मिल जाते हैं और उन्हीं फूलों की वैरायटियों में से मेरा एक यह बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत। और कुछ ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं देखिए फूलों के कि बहुत ही अचंभित और बहुत ही तरह तरह के नाम होते हैं इन फूलों के। और देखिए उन्हीं फूलों में से मैं आप सभी के सामने अपना यह खूबसूरत एक मुर्गा फ्लावर प्लांट देखिए आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए हम इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजी से मुर्गा फ्लावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि देखिए गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही चलने वाला फूलों का प्लांट है। और देखिए मैंने भी अपने इस पॉट में, आप मेरे पॉट का साइज़ देख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ मेरे इस पॉट का साइज़ आप देख सकते हैं। देखिए मेरे तीनों के तीनों ही बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत यह मुर्गा फ्लावर प्लांट मेरे इन पॉट में लगे हुए और मैंने इन्हें अपने इन पॉट में लगाया हुआ है। और आप भी देखिए इन जितने भी यह मुर्गा फ्लावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत इनके फूल होते हैं और तरह तरह में बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा से इनके बहुत ही सुंदर सुंदर आपको कलर देखने को नर्सरी पर मिल जाएंगे। और देखिए तब मैं तो आप सभी के सामने इन जितने भी मेरे यह खूबसूरत सूरत मुर्गा फ्लावर प्लांट हैं इन्हें शेयर ही कर सकता हूँ। और देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए मेरे इस पॉट में तीनों के तीनों ही मेरे यह मुर्गा फ्लावर प्लांट देखिए लगे हुए, देखिए धीरे धीरे फूलों पर भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, देखिए छोटे छोटे भी फूल बन रहे हैं। और बहुत ही यह गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा ही चलने वाला फूलों का एक ऐसा प्लांट है कि आप इस प्लांट को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत फ्लावर मुर्गा फ्लावर प्लांट है। और देखिए हम इसे मुर्गा फ्लावर प्लांट इसीलिए कहते हैं कि यह आप इसके फूल देख सकते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही आपको बहुत ही खूबसूरत इसके फूल देखने को मिलेंगे। और मेरे इस पॉट को और मेरे इन प्लांट को देख सकते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा ही मेरे इस प्लांट को आप देख सकते हैं मेरे इस पॉट में भर चुके हैं। और देखिए मैं धीरे धीरे आप सभी के सामने मेरे यह सारे के सारे ही देख सकते हैं, देखिए तीनों ही फ्लावर के प्लांट मेरे इस पॉट में ज़्यादा ही भर चुके हैं। मेरा पॉट भी धीरे धीरे देखिए मेरे इन प्लांट के सामने बहुत ही छोटा लग रहा है क्योंकि देखिए इनका बहुत ही आप देख सकते हैं तीनों के तीनों ही मेरे यह मुर्गा फ्लावर प्लांट मेरे इन पॉट में भर चुके हैं। आप ऐसे ऐसे खूबसूरत फ्लावर प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं तो ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा, मैं तो आप सभी के सामने अपने यह मुर्गा फ्लावर प्लांट इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यह गर्मी में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही चलने वाला फूलों का प्लांट है। आप इस प्लांट को देखिए एक बार किसी भी छोटे या बड़े पॉट में लगा लीजिए और आपका यह प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाएगा। और मैं देखिए आपको बता चुका हूँ कि जब मैं यह तीनों के तीनों ही फ्लावर प्लांट अपनी नर्सरी से लाया तो बहुत ही छोटे छोटे मुझे यह मिले थे और अब देखिए धीरे धीरे मेरे यह खूबसूरत मुर्गा फ्लावर प्लांट मेरे इस पॉट में भर गए हैं और देखिए फूलों पर भी आ चुके हैं।
आप ऐसे ऐसे खूबसूरत मुर्गा फ्लावर प्लांट अपने घर में जरूर लगाएं। और देखिए, यह एक ऐसा फ्लावर प्लांट है कि आप इसे एक बार लगा लीजिए और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही चलने वाला फूलों का प्लांट है। गर्मी के समय में बहुत ही ज़्यादा ही चलने वाला फूलों का प्लांट है। और देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए फिर भी मेरे यह मुर्गा फ्लावर प्लांट देख सकते हैं आप। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ही आपको हरे भरे और बहुत ही स्वस्थ दिखाई देंगे। और देखिए, समय समय पर आप जितने भी अपने फ्लावर के प्लांट लगाते हैं, गर्मी के हो सर्दी के हो, आप समय समय पर इनकी केयर बहुत जरूर कीजिए। आपके बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत यह जितने भी फूलों के प्लांट होते हैं, बहुत ही आसानी से चलने वाले प्लांट होते हैं, और उन्हीं प्लांट में से मेरे की यह मुर्गा फ्लावर प्लांट है। और मैं तो देखिए आप सभी के सामने अपने इस पॉट को और अपने प्लांट को शेयर ही कर सकता हूँ। और देखिए, यदि आप इस प्लांट को नर्सरी से भी लेने के लिए जाते हो, देखिए मैं तो आपको बता चुका हूँ कि जब मैं यह प्लांट नर्सरी से लाया था तो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे। तो देखिए, आप यदि इन प्लांट को नर्सरी से लेने के लिए भी जाते हैं तो आपको यह प्लांट नर्सरी पर 20 या 25 रुपये में पॉलीथीन बैग में बहुत ही आसानी से फूलों में लगा हुआ मिल जाएगा। और देखिए, मैं जब इन प्लांट को लाया था तो मेरे यह बहुत ही छोटे प्लांट थे, इन पर फूल भी नहीं थे। और यदि आप इन प्लांट को नर्सरी से लेने के लिए जाते तो आपको यह 20-25 रुपये में फूलों से लगा हुआ प्लांट आपको मिल जाएगा और पॉलीथीन बैग में मिल जाएगा। और देखिए, आप इसे बहुत ही आसानी से चाहे तो छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। मैं तो देखिए अपने यह तीनों के तीनों ही मुर्गा फ्लावर प्लांट अपने इस पॉट में लगा चुका हूँ। और देखिए, मेरे पॉट का साइज़ भी आप देख सकते हैं। देखिए, यदि आपको लग रहा है कि आपके पास बड़ा पॉट नहीं है तो आप इस मुर्गा फ्लावर प्लांट को छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और आप देखिए, एक मुर्गा फ्लावर प्लांट अपने छोटे पॉट में लगा लीजिए और यह बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत फूलों का प्लांट है। और देखिए, आप मेरे इसके पत्ते भी देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत पत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इनके पत्तों में शाइनिंग होती है। आप देखिए, इनके पत्तों को देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो देखिए मेरे धीरे धीरे इन प्लांट पर देखिए फूल धीरे धीरे बन रहे हैं, छोटे छोटे भी खिल रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए, थोड़े धीरे धीरे ही, और इस पर भी देखिए, तीनों के तीनों ही मेरे यह फ्लावर प्लांट बहुत ही आसानी से मेरे इस पॉट में चल रहे हैं। और आप भी देखिए, इस प्लांट को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और गर्मी के समय में मैं आपको बता चुका हूँ कि यह बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही चलने वाला फूलों का प्लांट है। और आप इसकी पत्तों की मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही शाइनिंग देख सकते हैं मेरे इस पॉट में लगे हुए मेरे तीनों ही मुर्गा फ्लावर प्लांट के पत्तों की शाइनिंग देख सकते हैं आप। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ही शाइनिंग है इनके पत्तों में और बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत आपको इसके पत्ते दिखाई देंगे। और देखिए, मेरे इस पॉट का साइज़ भी देख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, मैंने अपने यह तीनों के तीनों ही फ्लावर प्लांट आप सभी के सामने इसीलिए शेयर की है कि आप इस खूबसूरत फ्लावर को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो और बहुत ही ईजी चलने वाला प्लांट है। आप ऐसे ऐसे खूबसूरत फूलों के प्लांट अपने घर में जरूर लगाएं। देखिए, कोई भी प्लांट हो, गर्मी के हो सर्दी के हो, आप इन प्लांट को अपने घर में जरूर लगाएं। और जितने भी देखिए फूलों के प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। और देखिए, यदि हम गर्मी के फूलों के प्लांट लगाते हैं तो ये जितने भी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत एक से एक बहुत ही खूबसूरत फूलों के प्लांट होते हैं। सर्दी के भी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, अब गर्मी का समय है। देखिए, आप चाहे तो गर्फीना लगा लीजिए, जीनिया लगा लीजिए, अभी यह मुर्गा फ्लावर प्लांट लगा लीजिए, कोई भी फ्लावर प्लांट लगा लीजिए। गर्मी के समय में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ही चलने वाले यह फूलों के प्लांट होते हैं, और उन्हीं प्लांट में से मेरा यह एक मुर्गा फ्लावर प्लांट है, मैंने आप सभी के सामने शेयर किया। आप इस खूबसूरत प्लांट को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगा, और बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। आप इसे बहुत ही ईजी से लगा सकते हो और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल पा सकते हैं। और देखिए, मैं भी आप सभी के सामने अपने यह तीनों के तीनों ही मुर्गा फ्लावर प्लांट शेयर कर रहा हूँ। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत सूरत इसके फूल आप बहुत ही आसानी से इससे पा सकते हैं, और आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएँ।